नमस्ते, मेरा नाम है प्रीतिश पंड्या। माध्यमिक शिक्षा विभाग बांसवाड़ा के ई कंटेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आज के प्रकरण में हम देखेंगे वर्षा के नाम से हम सभी वाकिफ हैं और जानते हैं कि आसमान से जल की बूंदों का गिरना वर्षा होती है। यह वर्षा किस प्रकार होती है, इसके तीन प्रकार होते हैं। आइए हम इन तीन प्रकारों को इस एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। धरातल के निचले स्तर पर नम हवा उपस्थित रहती है। यह हवा गर्म होने पर ऊपर उठकर फैलती है। ऊपर जाने के कारण यह ठंडी होने लगती है। ठंडी होने के बाद यह अपनी कुछ आर्द्रता नीचे गिरा देती है, जिसे हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। इस तरह की वर्षा निम्न अक्षांशों में गर्मी के दिनों में अक्सर होती है। यह अक्सर दिन के सबसे गर्म हिस्से के बाद अल्पकाल किंतु भारी बौछार के रूप में आती है। इस वर्षा के साथ बादल गरजते हैं और बिजलियां कड़कती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद प्रतिदिन होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा ही होती है। वैसे तो आर्द्र हवा निचले धरातल पर रहती है, लेकिन जब इसके मार्ग में कोई पर्वत या कोई अन्य ऊंचा भूभाग आ जाता है तो यह आर्द्र हवा उस भूभाग से टकराकर ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने से यह ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण इसमें संघनन होने लगता है, जिससे जलवाष्प भारी हो जाता है। यही भारी जलवाष्प वर्षा के रूप में पहाड़ों पर गिर जाते हैं। वर्षा के बाद यह हवा प्रतिपवन लीवर्ड दिशा में उतरती है। यहाँ यह गर्म होने लगती है। यद्यपि इन गर्म हवाओं में आर्द्रता ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है, लेकिन इसे आर्द्रता का स्रोत नहीं मिल पाता। इसी कारण प्रतिपवन दिशा में मौसम गर्म और शुष्क हो जाता है और ये गर्म हवाएं पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं कर पाती, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो एरिया कहते हैं। विश्व के अनेक मरुस्थल इसी प्रकार के हैं। यह वर्षा निम्न दाब वाले क्षेत्रों में होती है। अत्यधिक दाब के कारण इस क्षेत्र में चारों ओर से हवाएं आकर एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी स्थिति में ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर आ जाती है। जब ये हवाएं आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। इसी से वर्षा होती है। डोल अड्डों पर सामान्यतः चक्रवाती वर्षा ही होती है, क्योंकि यहाँ व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी चक्रवातों के कारण भारी वर्षा होती है, परंतु यह वर्षा मात्र कुछ घंटे तक ही जारी रहती है।